तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे पावर के बारे में बताऊंगा जो हम सबके पास है, बट वी आर समहाउ इग्नोरेंट ऑफ सच पावर और अनएबल टू यूज़ इट इन द राइट डायरेक्शन। यह पावर है पावर टू चूज़ या पावर ऑफ चॉइस। इस पावर को हम एक मैथमेटिकल फॉर्मूले से समझते हैं। फॉर्मूले के बेसिकली तीन कंपोनेंट्स हैं। पहला, इवेंट यानी सिचुएशन या परिस्थितियाँ। दूसरा, रिस्पॉन्स यानी हमारा रिएक्शन। तीसरा, आउटकम यानी रिजल्ट। फॉर्मूला कुछ यूँ है, इवेंट इंटू रिस्पॉन्स इक्वल्स टू आउटकम। तो अब आप सब बताइए कि इनमें से कौन सी चीज़ हमारे हाथ में नहीं है। दो चीज़ें, इवेंट यानी सिचुएशन एंड आउटकम यानी रिजल्ट, यह दोनों ही चीज़ें हमारे हाथ में नहीं हैं। बट रिस्पॉन्स दैट इज हाउ वी रिएक्ट टू अ इवेंट और सिचुएशन इज इन आवर हैंड। मैक्सिमम पीपल जनरली रिस्पॉन्स की जगह रिएक्ट करते हैं। तो बेसिक डिफरेंस रिस्पॉन्स और रिएक्शन में यह होता है कि रिएक्शन इज थॉटलेस बट रिस्पॉन्स इज थॉटफुल। तो इस पावर ऑफ चॉइस को एक सिंपल सी कहानी से समझते हैं। किसी गांव में दो साधु रहते थे। वे सुबह शाम मंदिर में पूजा करते थे। एक दिन गांव में ज़बरदस्त आंधी तूफान आता है और ज़ोरों की बारिश होती है। दोनों साधु गांव की सीमा के बाहर स्थित एक झोपड़ी में निवास करते थे। शाम को जब एक साधु गांव से वापस लौटता है तो वह देखता है कि आंधी तूफान के कारण आधी झोपड़ी टूट गई है। यह देखकर वह दुखी हो गया। इसके साथ साथ उसे ऊपर वाले पर क्रोध भी आ रहा था। वह गुस्से में बोलने लगा, भगवान तूने मेरे साथ यह अन्याय क्यों किया? मैं दिन भर तेरा नाम लेता हूँ, मंदिर में सुबह शाम तेरी पूजा अर्चना करता हूँ, फिर भी तूने मेरी झोपड़ी तोड़ दी। दूसरी ओर गांव में जो पाखंडी लोग रहते हैं उनके मकानों को तो कुछ नहीं हुआ। हम निरीह साधुओं की झोपड़ी ही तूने तोड़ी, तुझे हम पर ज़रा भी दया नहीं आई? हम तेरा नाम जपते हैं पर तू हमसे प्रेम ही नहीं करता। तब तक दूसरा साधु भी लौट आया, लेकिन टूटी हुई आधी झोपड़ी को देखकर उसकी बिल्कुल भिन्न प्रक्रिया हुई। वह खुशी से नाचने लगा और बोला, भगवान आज हमें विश्वास हो गया कि तू हमसे कितना प्रेम करता है। ये हमारी आधी झोपड़ी तूने ही बचाई होगी, वरना इतनी तेज़ आंधी तूफान में तो झोपड़ी ही उजड़ जाती। यह तेरी ही कृपा है कि अभी भी हमारे पास सिर ढकने को थोड़ी सी जगह है। इस तरह देखें तो एक ही घटना पर दोनों साधुओं ने अपने अपने नज़रिए के मुताबिक भिन्न प्रतिक्रिया दी। परिस्थिति एक जैसी थी, लेकिन एक को अपने नेगेटिव थॉट्स या नेगेटिव रिस्पॉन्स की वजह से उसमें दुख और प्रॉब्लम्स नज़र आई, जबकि दूसरी ओर पॉजिटिव रिस्पॉन्स के चलते दूसरे साधु को उम्मीद और सुख नज़र आया। तो ज़रूरत है कि सिचुएशंस कैसी भी हों, हमें हमेशा हमारा रिस्पॉन्स पॉजिटिव रखना चाहिए। तो जैसा कि हमने स्टार्टिंग में एक फॉर्मूले से समझा था कि इवेंट्स इंटू रिस्पॉन्स इक्वल्स टू आउटकम। अगर इवेंट्स नेगेटिव हैं, मतलब परिस्थितियां अनुकूल नहीं हैं, और आपका रिस्पॉन्स भी नेगेटिव रहता है तो आउटकम डेफिनेटली नेगेटिव रहेगा। मगर अगर नेगेटिव परिस्थितियों में भी आपका रिस्पॉन्स पॉजिटिव रहता है तो मे बी पॉसिबल कि आउटकम पॉजिटिव भी आए या नेगेटिव भी आए। टू कंक्लूड, मैं बस इतना ही कहूँगा कि योर ग्रेटेस्ट पावर इज़ योर पावर टू चूज़ टू बिलीव डैट समथिंग गुड इज़ हैपनिंग नाउ। चूज़ हैप्पीनेस, चूज़ हेल्थ, चूज़ लव, चूज़ लाइफ। एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू अवर चैनल येट, डू सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर दिस वीडियो।